नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंचे दिनेश कोड़निया। किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, उन्होंने कहा। दिनेश कोड़निया ने बीजेपी पर बोला हमला, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी पर हमला बोला उन्होंने और बीजेपी आचार संहिता का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये कोड़निया का कहना। दिनेश कोड़निया ने किरोड़ी लाल मीणा को दिया चैलेंज। बड़ी खबर आप जान लीजिए इस वक्त की। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंचे दिनेश कोड़निया। किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, उनका कहना। और बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी आचार संहिता का गलत इस्तेमाल कर रही है। और खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हमारे सहयोगी सुभाष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, बताइए ताजा क्या अपडेट मिल रही है। कल रात को ईडी की कार्रवाई के बाद में आज दोपहर में पहली बार दिनेश कोड़निया कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और अपने समर्थकों से बात की और उन्होंने कहा कि बीजेपी आचार संहिता लगने के बाद में ये कार्रवाई कर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की राजनीति कर रही है, जो कि गलत है। और वो खुले उन्होंने कहा कि वो स्वाई मत बुझा के किरोड़ी लाल मीणा को चैलेंज देंगे और उनके सामने चुनाव लड़कर दिखाएंगे। और उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है और सीबीआई और ईडी की जो केंद्र सरकार गलत उपयोग कर रही है उसका उन्होंने घोर निंदा की। जी, और सुभाष हमें बताइए कि क्योंकि ये मामला तो पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन जो कार्रवाई है वो अभी फिलहाल क्यों ईडी की तरफ से की गई, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? उन्होंने इसी पे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई करनी थी तो 15 दिन पूर्व करने थे, जब आचार संहिता लगी है और चुनाव सामने आए हैं तो उस दौरान कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी, यदि कार्रवाई करनी थी पहले करते। उन्होंने इसी बात पे सवाल खड़े किए हैं। जी, और हमें ये भी बताएं कि ईडी को दस्तावेज क्या क्या मिले हैं इसमें। अभी ईडी ने इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। ईडी ने कुछ दस्तावेज जरूर अपने साथ में लगे हैं, एक प्रिंटर साथ में लगे हैं और कुछ कागजात साथ में लगे हैं, लेकिन ईडी ने कोई खुलासा नहीं किया कि वो क्या लगे हैं। हालांकि अब दिनेश कोड़निया खुल के सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं और उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज या कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो किसी गलत काम में संलग्न है। जी, शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।